शिवराज सरकार की योजनाओं की लगातार समीक्षा कर रही कमलनाथ सरकार की नजर अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पर आकर टिक गई है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को फालतू करार दिया है, जिसके बाद कई और मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आप गोविंद सिंह के उस बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को खत्म करने की नसीहत दी है। मेरा व्यक्तिगत मत है, धार्मिक कार्यक्रम करना ये सरकार के काम नहीं है। धार्मिक लोगों की मदद करना, लोगों की आस्था के प्रतीक जो सुविधाएं हैं वो हमें देना है, लेकिन तीर्थ यात्रा जो कराई जाती है सरकार के खर्च पे, उसका मैं विरोध में हूँ, उसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि आदमी जब मेहनत करके कमाई करता है, उससे अगर वहाँ हम यात्रा करते हैं अपने खुद की मेहनत के पैसे से, तो भगवान खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरे के धन से शासन के गरीब जनता की योजना रोक कर, उनके विकास कार्यों को रोक कर, उस पैसे का अगर इसमें जाके लोग जाते हैं, ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, बस ट्रेन जा रही, इसका अपव्यय है जी पूरी। इसकी राशि को बचाकर बच्चों की पढ़ाई में लगाना चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए, और मध्य प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए करना चाहिए। तीर्थ यात्रा चलाना मेरे मत में करना उचित नहीं है, और इसमें पैसा करना है, इसलिए इस योजना को मैं बंद करने के पक्षधर हूँ। अब गोविंद सिंह के इस बयान के बाद कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, ये आप खुद भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया से समझे। कांग्रेस का कभी काम नहीं रहा कि धार्मिक तीर्थ यात्रा करे। कांग्रेस तो राजनीतिक मजबूरी के कारण राम मंदिर में जाती है, कांग्रेस तो राजनीतिक मजबूरी के कारण राहुल को मंदिर मंदिर घुमाती है। कांग्रेस का कभी सनातन धर्म, हिंदू धर्म में कभी भरोसा रहा ही नहीं है, ना कभी भरोसा किया। मजबूरी का नाम केवल कांग्रेस है इस समय, वो धर्म की यात्रा करने की बात करती है, ना तो वो राम पद बनाएंगे ना राम मंदिर में सहयोग करेंगे, वो हर हमेशा राम का विरोध करने वाली कांग्रेस है। जो कांग्रेस, उसको क्या तीर्थ दर्शन, वो कभी जगन्नाथपुरी गई नहीं, कभी द्वारका गई नहीं, कभी बद्रिका आश्रम गई नहीं, कभी वैष्णो देवी के मंदिर गई नहीं। उन सबके सब तीर्थों के बराबर उनके पास केवल एक ही है, सोनिया तीर्थ। 10 जनपद के तीर्थ करो, राजनीतिक मुक्ति प्राप्त करो, राजनीतिक पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो, बाकी तीर्थों पर उनका कभी भरोसा नहीं रहा। इसलिए मध्य प्रदेश के हिंदुओं को अब सावधान हो जाना चाहिए कि उनके भाग से अब तीर्थ दर्शन भी जाने वाली है। देखिए, इससे ज्यादा निकृष्ट बयान किसी कैबिनेट मंत्री का हो नहीं सकता। आप मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर तीर्थ की मान्यता है, लगातार यहां पे लोग धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, और इस योजना को मध्य प्रदेश में ही नहीं है बल्कि देश में कई राज्यों में अब लागू किया जा चुका है, उसको अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी सरकार ठनठन गोपाल हो चुकी है, तो इसको खुलकर स्वीकार करिए। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बुजुर्गों पर लांछन उड़ा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं घूमने फिरने फिक्रेबाजी करने जाते हैं या फिर सरकार का ये काम नहीं है, तो क्या सरकार का काम 25,000 मंदिरों को अपने अंदर अधीन लेने का है? क्या सरकार का काम पुजारियों का मानदेय तय करने का है, या सरकार का काम कंप्यूटर बाबा को संतुष्ट करने का है? इस तरह का बयान तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, और इस योजना को अगर सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस सरकार की नाक दम कर देगी, और मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के बुजुर्ग जो है सड़क पर उतर के सरकार का विरोध करेंगे। बहरहाल इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस में भी मतभेद सामने आए हैं, लेकिन फिर भी गोविंद सिंह के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी तरफ से सफाई पेश की है। माननीय मंत्री जी का ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई भाव है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की एक मंशा है कि कैसे हम गरीब को उसके वहाँ तक पहुँचाएं, उसकी आस्था, धर्म, जो विश्वास और जो भरोसा वो हमारी संस्कृति पे करता है, हमारे धर्म पे करता है, उसके प्रति जो उसकी उत्सुकता, और गरीब आदमी जो वहाँ पहुँच नहीं पाता, कि जिसके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है पर इच्छा है कि हम कैसे हमारे धर्म का भी पालन करें, कैसे उन तीर्थों पर भी जाए, तो ये एक बेहतर योजना है जिसे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बेहतर रूप से चला रहे। हो सकता है किसी और परिप्रेक्ष्य में बात कही हो, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार। तत्कालीन शिवराज सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना के जरिए प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों पर ले जाकर उन्हें धार्मिक लाभ दिलाने की शुरुआत की थी। सरकार बदलने के बाद कमलनाथ सरकार ने भी इस योजना को जारी रखा है। हालांकि सरकार ने बजट संकट के चलते हाल ही में रवाना होने वाली 5 ट्रेनों को फिलहाल रोक दिया है।
और अब सरकार के मंत्री ने योजना को बंद करने की बात कही है। हालांकि जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सहकारिता मंत्री के बयानों को खारिज करते हुए साफ किया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को सरकार बंद नहीं करेगी, ये उनका निजी राय है।